तो गाइज अभी सभी दोस्तों का बाइक ढूंढने पे आया है। फैमिली पैक मैगी, इससे ही पार्टी करेंगे। लेते हैं 3 पीस, छोटा सॉस ले लेते हैं 2 पीस। पर ये 200 रुपये का बजट से हम लोग मैगी और सॉस ले लिए हैं फैमिली किराना स्टोर से, फैमिली बेकर से, जो मेन गेट पे है चौराहे के, मदनपुर चौराहे पे, और अलीगढ़ दवा नेशनल दवा खाना के बगल में भी है। यहाँ से आइए, सामान खरीदिए। मैगी बनाने के लिए कुछ सब्जियाँ का भी यूज़ किया जाएगा, प्याज मिर्चा टमाटर ले लो फट से। दोपहर के बज रहे हैं 2 या 2:30 और चौराहा सन्नाटा है पूरा चारों तरफ से। हाँ भाई सवाल भाई, आज मैगी बन रहा है भाई, तब जाने को पीछे भी देख लीजिए क्या कर रहा है। चादर लेके पहुँच रहे हो तुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खान ब्लॉग 05। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग हम बना रहे हैं अपने गाँव में ही, जो काफ़ी वंडरफुल होने वाला है और सक्सेसफुल भी होगा। तो हम लोग बनाने वाले हैं आज मैगी गांव मोहल्ले से बाहर हट के, और हमारे मोहल्ले के लड़के भी मौजूद हैं यहाँ पे। पीछे देखें, अंधेरा ब्लर दिख रहा है अभी, देखिए अब सही से दिख रहा है गाइस, थोड़ा फिल्टर कमाल था वो। दोस्तों हम मौजूद हैं अपने ही गाँव के साइड में, सागवन में, जो काफ़ी हरा भरा है, आसमान का और धरती का ऐसा दिखता है देखिए। और ये मवनिया है, बहुत पुराना जगह है, और यही सागवान का बगीचा है, जो काफ़ी लोग अपने अपने अड्डा बना के रहते हैं उस कोने पे होंगे कुछ लोग, इस कोने पे कुछ लोग, हम लोग यहाँ पे जमा रहे हैं प्रोग्राम आज का। तो आज हम लोग बनाएंगे यहीं पे मैगी, और जो आइडिया है हमारे इज्जू भाई का है, इज्जू भाई का आइडिया है, वही मैगी को एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोग्राम चालू हो गया है और हमारे इज्जू भी काम करेंगे खूब मेहनत करके। तो मैगी बनने वाला है बहुत खूबसूरती से, साथ में उसके रहेगा प्याज टमाटर मिर्चा, और देखिए भैया सॉस भी ले गया, केचप भी लाया है 15 रुपये वाली। और मसाले में क्या क्या गाइस? दोस्तों मसाले में अफगानी। हम लोग मोहल्ले के सभी लड़के इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है ये बैचलर आदमी है, जो इंजीनियर की पढ़ाई कम्प्लीट करके बेरोजगार घूम रहा है। और ये अपना साबिज भाई, अपना ये फैसल, ये अपना जिसान भाई, और अपना इजार भाई, और अपना वहाँ आरिस फरहान, और दो एक दो लड़के भी आ रहे हैं लेट हैं। और सागवान का कुछ खूबसूरती देख लें, हवा देखेगा गाइस कितना खूबसूरत चल रहा है, हवा महसूस नहीं कर पा रहे यार। और देखिए इसी बर्तन में मैगी बनेगा। देखिए मवनिया का ईटा है, जो देखिए कितना बड़ा बड़ा, ये क्योंकि प्राचीन ईटा है, नहीं लगभग ईटा हो गया होगा 40-50-60 साल पुराना ईटा है, ज़्यादा पुराना ईटा है, कहीं मोनिया पहले बहुत ऊंचा रहा, और यहाँ पे पहले बाढ़ वगैरह आवत रहा, तो यहीं पे लोग अपने आप को बचने के लिए टेंट वगैरह लगाते थे, तो यहीं आ गए, और यार वहाँ से ला रहा ईटा धीरे धीरे कर मुझे। तो दोस्तों हम साइड होते हैं क्योंकि आपसे बात करना था अभी, तो अभी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं इसको, तो होने दीजिए। तो बात यह है कि हम काफ़ी समय से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, तो उसका रीज़न कुछ था, जैसे कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और हम हॉस्टल में थे, वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह का मसला भी चल रहा था, फिर भागते भागते घर आए, घर आने के बाद घर का सिचुएशन और कहीं इधर उधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा रही, इस वजह से कहीं घूमना उमना भी नहीं था। और आने का ब्लॉग बनाए थे, लेकिन कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि वीडियो में देख के अच्छा लगे। तो उसके आने के बाद हमने जाके बनवाया फ़ोन वन प्लस की स्टोर से, तब अच्छा बना, फ्रेश हुआ, अभी क्वालिटी बढ़िया दिख रहा है कैमरे की, इस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा था। लेकिन ये मैंने सोचे कि चैनल बंद होगा, चैनल पे वीडियो अपलोड होता रहेगा, लेकिन वक्त वक्त के साथ, वक्त मीन कि 1 महीने का डिले हो जाएगा, 1.5 महीने का डिले हो जाएगा, लेकिन वीडियो आता रहेगा। अगर एक्टिव देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे हम एक्टिव थे, खान ब्लॉग 05 के नाम से पेज है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग फॉलो करें, और लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लगे हाथ। मुहर्रम का वीडियो आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए एक दिन में मात्र 15 सब्सक्राइबर बढ़े। जंगल में हम लोगों ने पुष्पा ट्रेलर का शूटिंग किया था, जो YouTube पे अपलोड भी है, लेकिन वो बोले उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिसके मेन रोल में फरहान थे हीरो, और डायरेक्टर थे इजहार, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पुराना वीडियो है आप लोग जाके देखें। देखिए
है दोस्तों, धीरे धीरे जल्दी जल्दी याद बढ़ाओ तुम लोग। तो समय आ गया है आग जलाने का, तो जा रहे हैं ये आग जलाने यार हमारे अपने नाजुक नाजुक से हाथों से। देख के देख के देख के सामग्री कट पिट के तैयार है। और गाइस देख सकते हैं ये कड़वा तेल है, ये मेहनत करने के बाद आग जलने वाला है, लग रहा है जल जाएगा। कंजीर वाला सही जला नहीं भाई, ये फैसल के हाथों का जादू है यार, के हाथों का जादू खत्म हो गया है और ये आग जल गया। अब तो दोस्तों दोस्तों ये अपना मामला तैयार हो गया है। सिल तोड़ा बोतल का, चलिए आइए। दिस इज ऑयल, दिस इज मस्टर्ड ऑयल, एंड दिस इज प्यूरिफाइड ऑयल। आराम से छिटका जी, देखिए ये तेल इसमें रखा जाए, इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाए। बस बस बस, तो अब प्याज डालने का टाइम आ गया है और अब प्याज डाला जाए प्यार से। डालो जल्दी डालो, अभी प्याज भुजा रहा है, उसके बाद हम लोग मैगी को निकाल के उसमें एक एक करके रखेंगे। ज्यादा लोग हैं, मैगी बड़ा पैकेट है। चलिए हम लोग प्याज भुजन भुज जाए, उस तक आराम करते हैं। पानी चाहिए, पानी व्यवस्था कर लो। टू मिक्स अप मसाला, ऐसा अपने जादू से सिगरेट मसाला बनाएंगे अभी हाथों से। थोड़ा सा सिगरेट मसाला है, घर का मसाला खानदानी, खानदानी मसाला जो हमारे दादा बचा के पड़ता रख के गए थे गाइस, वही वाला मसाला। वो बस 10 पोते में से बस एक पोतक बता गए। अरे कौन मसाला मसाला रही है, तू वे ना तो ना ही तुझे खड़ा दे। ये टमाटर डाल दें, ये दो लड़के हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, और आई हमारा जिसान भाई भी, वो भी बहुत मेहनत किया है। देखिए कितना खूबसूरती से मैगी को सजा रहे हैं अभी। ये फैसला अपने सिगरेट मसाला है, ये मसाले में क्या क्या डाले हैं भाई? सिगरेट मसाला गाइस, सिगरेट मसाला दादा को बताया हुआ है, बता के चले गए, अब हम यूज कर रहे हैं ये इनके दो। देखिए देखिए जो मसाला है, 19 लोग ऐसे ही बनाते थे गाइस, मैगी है, मैगी ऐसी बनती थी। इनके दादा लंदन से होके आए थे ना, तो ऐसे ही सीख के आते हैं। दोस्तों मैगी रखने का टाइम आ गया, इसे डाल दो गाइस, इसे मैगी साबेज एक ही बार में नहीं दूसरा प्लेट और एक प्लेट ये है और ये हटा दिया मैगी, इसको ठोक दो। चला 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 चला, इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको वाटर लेवल अप किया जाए, उसके बाद मैगी का टेस्ट आएगा। इसको बनाया जाए, इसे 2 मिनट की मैगी 2 घंटा हो गया। अब आज बात हो जाए ना, पानी थोड़ा सा और ये रहा सफल मटर जो चौराहा पर 30 रुपए पाव खरीद के आया, 30 रुपए गोल गोल मटर है गाइस, इतने गोल गोल है मटर। तो मिला दो बटर मिला हुई में कल काम बना था मैगी हरे और गोल। जो ये मैगी का प्रोग्राम है उसे हमने ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइज इसलिए किया कि मुझे ब्लॉग बनाना था, ठीक है, और ब्लॉग बनाने के लिए कंटेंट मिल नहीं रहा था, तो हमने सोचा यही करके कंटेंट बन जाए, तो इसलिए इसमें पैसा भी खर्च हुआ है, मेहनत भी लगा है और टाइम भी गया है। तो आप लोग इसका अप्रिशिएट करें और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस पर व्यू लाएँ बढ़िया से, फिर अगला वीडियो देखें, इंतजार करें, इससे भी ज़बरदस्त वीडियो होगा। अभी तो मैगी का हो रहा है और अपकमिंग प्रोजेक्ट बहुत बहुत है, लेकिन तो अभी मैगी सब कुछ रख दिया बनाने को, अभी टाइम लगेगा बनने में, 2 मिनट की मैगी है, 2 घंटा लग जाएगा। तब तक हम आसपास टहलते हैं, देखिए ये पीछे का नज़ारा, चारों तरफ यही है सागवान ही सागवान है, क्योंकि ये पहले 90s के दौर में ये जंगल था और सबसे ऊंचा जगह था गांव का, तो इसलिए यहाँ का ईटा देखे हैं कि कितना बड़ा है वो, मतलब साइज में, थिंक में, ब्रेथ में, सब साइज में। तो अभी ये अब खेती बाड़ी की जगह हो गया है, चारों तरफ खेत है, बीच में सागवान भी है। देखिए दोनों चर्चा कर रहे हैं, कल कल का क्या प्रोग्राम है?
प्रोग्राम कल आता रहेगा। कल हम लोग बनाएंगे गाइस गोश्त और चावल नहीं भौरी चोखा। भौरी चोखा गाइस तो परसों भौरी चोखा लगेगा। भौरी चोखा बोका चोखा। ये देखिए दोस्तों उतार दे हो तो गहरा पे ना उतार रे। हल्का पानी डाल दो। हल्का पानी उतार दो। ये सो साड़ी वीडियो पूरी की जरा पूरा डाल। ये हटा ना भाई हटा ना पंगे डाले पूरी से ना। दोस्तों मैगी बनके तैयार हो गया है और आरिश भाई अपना यार दस्तखान लगा दिया है। एक एक प्लेट बांटो। ए और कहाँ गए सब? अच्छा आ गए सब। गाइस कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे साथी लोग वो आ गए हैं रफ्तारी रंगदारी करते करते। तैयार है और सभी लोग अपना अपना हाथ बिस्मिल्लाह करें। भाई मैगी तैयार है दोस्तों और हम लोग खाने के लिए बैठ गए। मैगी कैसा है? सवेज बहुत ही खारा मैगी आप लोग देख सकते हैं। शेर तो हम खुद गोड़ो जमरा कर मुझे पहले क्या खड़ी भाई। तो बर्दा तो खाई ला तो बैठक छोड़ गया। मैगी वगैरह खा के दोस्तों कनाटन हो गए लोग। गाइस यहां हम फट रहे हैं। फट रहे हो ना? दोस्तों प्रोग्राम को यहीं पे खत्म किया जाए और चले मोहल्ले की तरफ। अब मैगी खा के मजा आएगा नहीं? चले हैं दोस्तों अब मोहल्ले की तरफ और सामान घर पे सब रख दीजिए और अपनी वहाँ पे गाड़ी असेंबल हुई है। फाइनली दोस्तों हम लोग अपने घर आ गए हैं दौड़ वाद करके। तो फ़ोन चार्ज किया जाए उसके बाद फिर मोहल्ले में सबसे फीडबैक लिया जाएगा कि मजा आएगी नहीं। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कैसा लगा ब्लॉग मेरा वो कमेंट करके हमें बताएँ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। तो आप लोग कमेंट में करके बताएँ कि क्या गलतियाँ थी और सब तो ठीक ही है। और लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। कीप शेयर विथ फ्रेंड एंड फैमिली।